जो आंकड़े आज हम आपके सामने ला रहे हैं वो आपको चौंका भी सकते हैं। पिछला एक साल देखा जाए तो आप समझ सकते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं, यानी कि कोरोना वायरस की। आज 20 मार्च है और ठीक एक साल पहले ही कोरोना ने भारत में अपने पैर पसारे थे और उसके बाद जनता कर्फ्यू लगाया गया, लॉकडाउन लग गया, हर चीज़ बंद कर दी गई और क्या हालात रहे वो जग जा ही रहा। आप जानते हैं कि किस तरह के हालात जम्मू कश्मीर में भी लोगों को देखने को मिले। अभी फ़िलहाल हम इसलिए बात कर रहे हैं कि अगर सितंबर अक्टूबर तक बात की जाए तो कोरोना के केसेस अपने पीक पे थे। उसके बाद जिस तरह से लोगों ने समझदारी की, जो चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए थी, यानी कि सैनिटाइज़र यूज़ करना, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, लोग उसका पालन करते रहे। और उसके साथ साथ इम्यूनिंग सिस्टम, अपना इम्यून सिस्टम जो है उस पर भी काम करते रहे, अपनी डाइट पर काम किया गया, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा जो है केसेस कम होते गए। और दिसंबर जनवरी की बात की जाए तो काफ़ी कम मामले जो थे वो देखे जा रहे थे और ये समझा जा रहा था कि अब शायद कोरोना पर अकेल कस दी गई है और अब शायद इस तरह से केसेस सामने नहीं आएंगे। लेकिन अब पिछले एक हफ्ते या 10 दिन की बात की जाए तो पूरे भारत में फिर से कोरोना अपने पैर पसारते हुए नज़र आ रहा है। जिस तरह से महाराष्ट्र की बात की जाए, गुजरात की बात की जाए, पंजाब की बात की जाए, केरल की बात की जाए तो वहाँ केसेस काफ़ी ज़्यादा फिर से बढ़ने लगे हैं। उसी चीज़ को देखते हुए आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में उनके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो है लॉकडाउन लगा दिया गया। पंजाब की बात की जाए तो वहाँ पर भी कुछ डिस्ट्रिक्ट में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया और साथ ही स्कूलों को बंद कर दिया गया, कॉलेजों को बंद कर दिया गया और जो बोर्ड के एग्ज़ाम पंजाब में होने वाले थे उन्हें भी एक महीना एक्सटेंड कर दिया गया, यानी कि पोस्टपोन कर दिया गया। गुजरात की बात की जाए तो वहाँ पर भी नाइट कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया। इस तरह से अलग अलग इलाकों में जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, अगर हम पिछले एक हफ्ते की बात की जाए तो महाराष्ट्र में एक एक दिन में 30,000, 25,000, 20,000 केसेस आ रहे हैं। इस तरह से पंजाब में भी, केरल में भी लगातार 2-3 हज़ार केसेस आ रहे हैं। और लास्ट एक दिन, यानी कि पिछले एक दिन की बात की जाए तो 41,000 केस पूरे भारत में नोटिस किया गया है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि केसेस फिर से बढ़ने लग पड़े हैं। यह हम आपको डराने के लिए नहीं कह रहे हैं, सचेत करने के लिए कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम फिर से जो अपनी डे टू डे लाइफ है उसमें ढीले पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि हम चीज़ों को अब केयरलेसली ले रहे हैं। हम वही जो चीज़ें पहले हुई थी और जिस तरह से हमने अपने आप को कोरोना से निकाला था, जो निजात पाई थी, वो हम कहीं ना कहीं अब भूलते हुए नज़र आ रहे हैं। जम्मू की बात की जाए, जम्मू कश्मीर की, तो पिछले एक हफ्ते से यहाँ पर भी 100 से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। कल की बात की जाए तो 152 यानी कि 152 केसेस जो है वो जम्मू कश्मीर में सामने आए जो पॉजिटिव हो चुके हैं। ये विजुअल्स हैं GMC जम्मू के, जम्मू सिटी के और अलग अलग इलाकों के, मैं आपको दृश्य दिखाऊंगा जहां पर लोगों ने, ऐसा नहीं है कि मास्क नहीं पहना है, लोगों ने मास्क पहना है, लेकिन मैक्सिमम लोग वो हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना है, सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल वो पालन नहीं कर रहे हैं। हम ये वीडियो इसलिए दिखा रहे हैं कि अभी भी आपको अपने आप को बचाना होगा। अगर आपको वैक्सीन लग चुकी है तब भी, और अगर नहीं लगी है फिर तो अपने आप को आपको बचाना ही बचाना है, क्योंकि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। बेशक वैक्सीन आ चुकी है, वैक्सीन अभी सभी लोगों को नहीं लगी है और जिस तरह से ये COVID-19 चल रहा है, दौर जो है अभी ख़त्म नहीं हुआ है। लोग जो है अब उन चीज़ों को जो है दरकिनार कर रहे हैं जिन चीज़ों से बचा जा सकता है, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग। आप देख सकते हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं और साथ ही मास्क पहनना फिर से लोगों ने बंद कर दिया है। ये 3-4 चीज़ें थी जिसको पूरे भारत में या पूरे विश्व में कहा जाए कि बार बार कहा जा रहा था कि आपको इन चीज़ों का पालन करना है और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी है जिसके कारण आप COVID-19 की चपेट में आ जाए, क्योंकि एक व्यक्ति को होगा, उसके साथ साथ उसके परिवार को, उसके मिलते जुलते और भी जो लोग होंगे उनको होता जाता है। और कितनी ज़्यादा मौतें भी इस दौरान हुई थी और आप समझ सकते हैं कि अगर वो दौर फिर से आता है तो क्या हालात फिर से हो सकते हैं। इसलिए इन चीज़ों को अभी भी अपनी डे टू डे लाइफ में रखिए। COVID-19 ख़त्म नहीं हुआ है, वो पूरे तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी वो चल रहा है। उसकी महामारी बेशक अभी थोड़ी कम हुई थी क्योंकि लोगों ने उस चीज़ का पालन किया था जो सरकार की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि आपको करना है अगर कोरोना से बचना है। लेकिन अब लोग फिर से केयरलेसली ना ही मास्क पहन रहे हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और ना ही हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ कर रहे हैं। ये सब चीज़ें करते रहना है और तब तक करते रहना है जब तक पूरे तरीके से ये कोरोना वायरस जो है इसे जड़ से ख़त्म नहीं कर दिया जाता। क्योंकि जिस तरह से बाहर आप देख रहे हैं, अलग अलग जगह पर लॉकडाउन लगाया जा रहा है, नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है, हो सकता है अगर यहाँ पर हालात इसी तरह बढ़ते रहे, बिगड़े, तो यहाँ पर भी वो दिन दूर नहीं कि दोबारा जो है जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। क्योंकि अब जिस तरह से हालात मार्च महीने में देखे जा रहे हैं कि बढ़ रहे हैं कोरोना वायरस के केसेस,
अप्रैल और मई में ये देखा जा रहा है कि हो सकता है इसमें और इंक्रीज या और इजाफा हो जाए, जिसके कारण हालात बद से बदतर हो जाए। इसलिए जो चीज़ें पहले आप कर रहे थे उसको अभी भी करते रहिए, उन चीज़ों में कोई भी कोताही मत बरतिए। पर जम्मू कश्मीर आप समझ सकते हैं कि जब यहाँ पर फिर से हालात होंगे तो कहीं ना कहीं पिछले साल वाले हालात फिर से हो सकते हैं और लॉकडाउन लग सकता है। इसलिए अवेयर रहिए और दूसरों को भी अवेयर करते रहिए, जब तक पूरे तरीके से जो है कोरोना को ख़त्म कर दिया नहीं जाता है। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।